everyone, this is Mansi from evignati.in. अब हम question number 7 start कर रहे हैं, exercise 6.5 का. Find the perimeter of rectangle whose length is 40 cm and diagonal is 41 cm. तो आपको एक rectangle का perimeter निकालना है. सबसे पहले हम rectangle draw कर लेते हैं. Let's suppose ये हमारा rectangle है, ठीक है. अब इसका आपको perimeter find करना है. उससे पहले आपको गिवन क्या है, लेंथ गिवन है. लेंथ मतलब आपको ये गिवन है, लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर एंड हमें गिवन है डायगोनल. डायगोनल मींस दिस वन. सो ये कितना गिवन है, दिस इज 41 सेंटीमीटर. लेकिन अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2l + p, मतलब कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. अब लेंथ तो आपके पास 40 सेंटीमीटर है लेकिन ब्रेथ आपके पास नहीं है, आपको ब्रेथ चाहिए. सो अब आप देखोगे, हमें पता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में ये जो उसके एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं. सो सबसे पहले तो लेट्स नेम इट ABCD. सो अब ये जो आपके पास BD है ये डायगोनल गिवन है, ये आपको बेस गिवन है और यहाँ पे BC आपके पास नहीं है. सो पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से आप BC फाइंड कर सकते हो. बिकॉज अगर आप ये देखो तो BCD ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं. BCD हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं एंड एक राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. सो राइट ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. सो इसकी हेल्प से हमारे पास BC आ जाएगा. सो लेट्स फाइंड इट. सबसे पहले Using Pythagoras theorem, in triangle BCD, triangle BCD में हमारे पास अगर हम इसमें Pythagoras theorem लगाएं तो hypotenuse BD है. So BD square equals to BC का square प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है. ये बिल्कुल, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें लगाओगे तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर. सो BD हमारे पास है, सो वी कैन राइट BD एज 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर. BC नहीं है, सो वी राइट इट एज BC एज इट इज लिख देंगे प्लस DC हमारे पास है विच इज 40 का स्क्वायर. सो अब यहाँ पे हमें BC चाहिए, 40 को इधर भेज देते हैं पहले. ये हो गया 41 स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर. अब यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस होगा, माइनस 40 स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर. सो 41 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, 41 इंटू 41. सो दिस विल बी 1 1 1, 4 1 4 एंड 4 1 4 अगेन, 4 4 16, 1861. सो ये हमारे पास आ गया 1681 माइनस 40 का स्क्वायर. अब 40 का स्क्वायर निकालने का बहुत इजी मेथड है, यहाँ पे जीरो है, 4 4 16. सो ये हो गया 16 और यहाँ पे दो जीरो हो जाएंगे बिकॉज 40 × 40 करेंगे. सो यहाँ पे हम दो जीरो लगा देंगे, मीन्स के 40 का स्क्वायर हो गया 1600 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, ठीक है. अब इसको माइनस कर लेते हैं, 1681 माइनस 1600 विल बी 81. सो 81 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर. हमें BC फाइंड करना है. सो BC को हम ऐसे लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, बिकॉज 9 9 81, तो मैं 81 को 9 स्क्वायर लिख सकती हूँ. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, नाउ BC इक्वल्स टू आ गया आपका 9, क्योंकि ये जो लेंथ है मतलब ये हमारे पास आ गई अब 9 सेंटीमीटर, मतलब कि आपके पास लेंथ था, ब्रेथ अब आपके पास आ गई है. सो लेट्स फाइंड दी पेरीमीटर. सो नाउ आपको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर. सो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज पेरीमीटर इक्वल्स टू 2l + b. नाउ 2l क्या है हमारे पास,
लेंथ, लेंथ है 40 सेंटीमीटर, से ये हो गया 40 प्लस ब्रेथ क्या है अभी हमने फाइंड करी है 9, सो ये हो गया 9, ठीक है। सो 2, 40 प्लस 9 इज 49, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 49 इंटू 2 विल बी 9, 2 जा 18 एंड दिस विल बी 4, 2 जा 8 एंड 9, सो ये हमारे पास आ गया 98, मींस जो आपको पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना था दैट इज 98 सेंटीमीटर, फाइन। So now let's quickly come to the last question of the exercise.